दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुसत्य वचन में। चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, आज हम यही कहानी प्रस्तुत करने वाले हैं। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर गुजरात में अवस्थित है और मित्रों यह एक सच्ची कहानी है। दोस्तों कौन है वो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ और क्या है चिड़िया की शिव भक्ति, आइए इस कहानी इस कथा के माध्यम से जानते हैं। एक और बहुत जरूरी बात दोस्तों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुने, आधा अधूरा सुनने की गलती भूल से भी नहीं करें, क्योंकि कहा गया है कि जो भी चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कथा आधा अधूरा सुनता है वो पाप का भागी बनता है, और जो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ में भक्ति जताता है उसका बिगड़ा काम तत्क्षण बनना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि मित्रों यह एक बिल्कुल पवित्र कथा है, इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर भगवान शिव एवं चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के प्रति भक्ति जता ले और प्रसाद रूप में इसे लाइक और शेयर करके कमेंट में जय बूढ़ी माँ जरूर लिख दे। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध बनारस के शिवनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ का दर्शन कराते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रीत करो महादेव से मत मांगो फलदाम, तजगर फल की कामना करिए भक्त निष्काम। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा था जो कि एक बड़े से शिव मंदिर के पास स्थित पेड़ पर रहा करता था, और जब भी उस शिव मंदिर में पूजा अर्चना और आरती होती वो दोनों पक्षी का जोड़ा भी भक्ति में लीन हो जाया करते थे। वो दोनों पक्षी भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि अपने तन मन का ख्याल भी नहीं रख पाते थे। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था, सुबह शाम मंदिर में जब भी घंटा बजती और आरती होती वो दोनों चिड़िया मंदिर में आ जाते और भगवान शिव के भक्ति में लीन होकर उनकी आराधना करना प्रारंभ कर देते, और भगवान शिव की आराधना के बाद वे अपने और अपने बच्चों के चारा पानी की व्यवस्था करने में लग जाते। और दोस्तों उस शिव मंदिर के पास थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ी माँ का घर था। वो बूढ़ी माँ अकेले ही अपने घर पर रहा करती थी, उनकी देखरेख और सेवा पानी करने वाला कोई नहीं था क्योंकि उनके कोई संतान ही नहीं थे, वे अकेले ही अपने घर पर रहा करती थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि उस बूढ़ी माँ को पशु पक्षियों से काफ़ी लगाव था, इसलिए वो बूढ़ी माँ इन दोनों गौरैया पक्षी के जोड़ों से बहुत प्रेम किया करती थी और उन्हें दाना पानी देने में कभी पीछे नहीं हटती थी। वो बूढ़ी माँ उन दोनों पक्षियों के लिए प्रत्येक दिन अपने घर के छत पर मिट्टी के बर्तन में दाने और पानी रख दिया करती थी, और वो दोनों गौरैया पक्षी का जोड़ा बूढ़ी माता के घर के छत पर आते और जी भर कर भोजन करते और साथ ही साथ यहाँ से दाने अपने बच्चों के लिए भी ले जाया करते थे। दोस्तों यह रोज का नियम था, इसी तरह उन दोनों चिड़ियों की जिंदगी बड़े आराम से बिना मेहनत के कटती जा रही थी। इस तरह से वो दोनों गौरैया पक्षी का जोड़ा अपना निश्चिंत भरा जीवन जीते हुए भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। अब एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है और वो बिस्तर पर पड़ जाती है। दोस्तों उनके पास बहु बेटे तो थे नहीं जो उनकी सेवा करते तथा दवा दारू लाकर उनकी इलाज कराते। अब वो बूढ़ी माँ चल फिर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो हमेशा बिना दाना पानी के बिस्तर पर ही रहा करती थी। अब बूढ़ी माँ उन चिड़ियों के लिए दाना पानी रखना छोड़ दी क्योंकि वे चलने में बिल्कुल असमर्थ थी। अब वे दोनों चिड़िया बूढ़ी माँ के छत पर आते तो उन्हें दाना पानी नहीं मिल पाता था और वे भूखे ही
लौट जाया करते थे। इस तरह से एक दिन, दो दिन और कई दिन बीत गए। जब उन दोनों चिड़ियों को दाना पानी मिलना बिल्कुल बंद हो गया तो उनको भोजन में काफ़ी दिक्कत आने लगी। और मित्रों, उधर दवा दारू नहीं मिलने के कारण और सेवा नहीं होने के कारण धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ कमज़ोर हो गई। और एक दिन ऐसा आया कि वो बूढ़ी माँ के शरीर से प्राण निकल गए। मित्रों, दोनों पक्षियों के जोड़े को जब वो बूढ़ी माँ नज़र नहीं आई तो उस दोनों पक्षियों ने उस माता को ढूंढने का मन बनाया और दोनों मिलकर चारों तरफ इधर उधर बहुत अगल बगल के गांव में भी जाकर उस माता को ढूंढे, लेकिन वो माता उस दोनों पक्षियों को कहीं भी नज़र नहीं आई। हार थक कर वो दोनों पक्षी एक दिन फिर से बूढ़ी माता के घर पर आए। यहाँ आने के बाद उन दोनों गौरैया पक्षी के जोरों में मादा गौरैया अपने पति नर गौरैया से कहती है कि हे स्वामी, हम हार कर चारों तरफ थक गए। हमने चारों तरफ उस बूढ़ी माँ को ढूंढ लिए, लेकिन बूढ़ी माँ कहीं भी नज़र नहीं आई। हे स्वामी, आखिर मेरा दाना पानी कैसे चलेगा? हमारा भोजन कैसे चलेगा? हमारे बच्चों को दाना पानी कहाँ से मिल पाएगा? इसलिए हे स्वामी, एक बार फिर से आप ही प्रयास करें। ये बातें सुनकर नर गौरैया अपनी पत्नी मादा गौरैया से कहते हैं कि हे प्रिय, मैंने भी तो आपके साथ चारों तरफ बूढ़ी माता को ढूंढा है और जहाँ तक संभव था हमने अपनी माता को ढूंढने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन एक जगह है जहाँ अभी तक हम लोग माता को नहीं ढूंढे हैं और वो जगह है बूढ़ी माता का स्वयं का घर। तो क्यों नहीं बूढ़ी माता को उनके घर में जाकर ढूंढे। मित्रों, अब वो दोनों गौरैया पक्षी का जोड़ा बूढ़ी माता के घर में प्रवेश करता है। जब वे दोनों बूढ़ी माता के घर में प्रवेश करते हैं तो वे देखते हैं कि बूढ़ी माता अपने बिस्तर पर सोई हुई है और उनके शरीर पर मक्खियां भिनक रही है। अब दोनों पक्षियों का जोड़ा बूढ़ी माता को जगाने का प्रयास करते हैं। पक्षी अपने पंख फड़फड़ाकर मक्खियां को भगाते हैं, फिर उनकी कानों के निकट जाकर अपना पंख फड़फड़ाते हैं ताकि उनकी नींद टूटे, लेकिन इस सब का बूढ़ी माता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ पाता है। इन सभी प्रयासों के बाद नर गौरैया अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे प्रिय, अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी बूढ़ी माता इस दुनिया में नहीं रही। अब इनके शरीर से प्राण निकल गए हैं, अब ये हम दोनों को कभी दाना पानी नहीं दे पाएंगे। ये बातें सुनकर वो दोनों पक्षी वहीं पर बहुत रोते भी लगते हैं, बहुत दुखी होते हैं और उन्हें सिर्फ इसी बात की चिंता होती है कि आखिर अब हमारा और हमारे बच्चों का दाना पानी कैसे मिल पाएगा, हम सभी का जीवन बसर कैसे होगा। कितनी अच्छी बूढ़ी माता थी, आखिर भगवान ये क्या कर दिए। अब ये बातें सोचकर वो दोनों गौरैया पक्षी का जोड़ा उसी मंदिर पर चले आते हैं और मंदिर परिसर में जब आरती का घंटा लगता है उस समय वो दोनों जोड़ा अपने एक पैरों पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर भगवान शिव का आराधना करने लगते हैं। इस तरह आराधना करते करते एक घंटे बीतता है, दो घंटे बीतता है, तीन घंटे बीतता है, एक दिन बीतता है। मित्रों, वो दोनों पक्षी का जोड़ा भगवान शिव के आराधना में लगे ही रह जाते हैं। वो दोनों पक्षियों का जोड़ा यही सोचकर आराधना करते हैं कि अब हमें दाना पानी तो नहीं ही मिल पाएगी, आखिर दम तोड़ना है तो भगवान शिव के भक्ति करते हुए क्यों नहीं दम तोड़ दें। और इसी तरह भूखे प्यासे रहकर वो दोनों पक्षियों का जोड़ा एक पैरों पर खड़े होकर
लगातार एक महीने तक भगवान शिव की आराधना करते रह जाते हैं। जब भगवान शिव ये देखते हैं कि ये दोनों पक्षी तो बिल्कुल अपना सब कुछ त्याग कर मेरे भक्ति में लीन है, तब भगवान शिव एक दिन दोनों पक्षियों के सामने प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद वो इन दोनों पक्षियों से कहते हैं कि हे पक्षी, हम तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न है। तुम एक साधारण क्षमता वाले प्राणी एक पैरों पर खड़े होकर भूखे प्यासे रहकर महीनों तक हमारी आराधना की है, हमारे भक्ति में लीन रहे हैं। आज मैं तुम दोनों के भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, हम तुम्हें जरूर देंगे। अब गौरैया पक्षी का जोड़ा भगवान शिव से कहते हैं कि हे देव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे निवेदन है कि आप मेरे बूढ़ी माता को जिंदा कर दें। ये बातें सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम संसार के रीति के विपरीत नहीं चल सकते हैं। ये संसार का चक्र है, जो व्यक्ति मर गया है वो जिंदा नहीं हो सकता, तुम कुछ और मांग लो। ये बात सुनकर फिर दोनों गौरैया पक्षी का जोड़ा भगवान शिव से कहते हैं कि हे देव, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो मेरी बूढ़ी माता चाहिए, आप फिर से उनको जिंदा कर दे। एक बार फिर से ये बात सुनने पर भगवान शिव कहते हैं कि आखिर यह कैसे हो सकता है, बूढ़ी माता का शरीर भी छत बिछत हो गया है, अब उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी है, उनके शरीर में कीड़े आ गए हैं, आखिर उनका शरीर जब छत बिछत हो चुका है, कैसे मैं उनके शरीर में प्राण फूकूं। ये बातें सुनकर पक्षियों का जोड़ा अपने जिद पर अड़ जाता है और वे दोनों कहते हैं, हे देव, आपने हमसे वचन लिया है कि तुम जो मांगोगे मैं उसे दूंगा, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं। अब पक्षियों के हट के आगे भगवान शिव को झुकना पड़ जाता है और वे कहते हैं, मैं तो बिल्कुल वचनबद्ध हूँ, सचमुच मैंने कहा था कि जो मांगोगे मैं उसे दूंगा, तो चलो मैं तुम्हारे हट के आगे झुकता हूँ और बूढ़ी माता के शरीर में प्राण फूंकता हूँ। सबसे पहले भगवान शिव उस बूढ़ी माता के शरीर को, जो कि छत बिछत हो चुका था, उसे ठीक किए और ठीक करने के बाद उसमें प्राण भर दिए। प्राण भरते ही बूढ़ी माता उठकर खड़ी हो गई और भगवान शिव के आगे कल जोड़कर कहने लगे कि हे देव, आज मैं धन्य हो गई, मैंने क्या पुण्य का काम किया था जो आज मुझे आपका दर्शन हो गया, आखिर मैंने कौन से बड़े बड़े भलाई का काम की थी जो मैं मरकर फिर से जिंदा हो गई। और दोस्तों, बूढ़ी माता को जिंदा होते ही ये दोनों पक्षियों का जोड़ा यह संदेश अपने बच्चों को सुनाने चले जाते हैं, जो कि कई दिनों से भूखे थे, बस यही आशा दिलाने के लिए कि अब दाना पानी हम सभी को मिल जाएगा। बूढ़ी माता जब भगवान शिव के सामने कल जोड़कर खड़े होते हुए उनसे कहती है कि हे देव, आप बहुत महान है, आपकी कृपा से आज मैं मरकर फिर से जिंदा हो गई हूँ और मैं धन्य धन्य हो गई हूँ, तब भगवान शिव कहते हैं कि हे माता, आप अपने कृपा से जीवित नहीं हुए हैं, आपके जीवित होने का कारण वही दोनों गौरैया पक्षी का जोड़ा है, जो प्रत्येक दिन आपके छत पर जाकर आपके द्वारा दिए हुए दाना पानी ग्रहण करते थे और उसी दाना पानी से अपने बच्चों को भी भोजन कराते थे। उसी पक्षियों के जोड़ों ने एक पैरों पर खड़े होकर महीनों तक भूखे प्यासे रहकर हमारी आराधना की और उन्होंने सिर्फ एक ही वरदान मांगा कि मेरी बूढ़ी माता को फिर से जिंदा कर दीजिए, और हे माता, अगर आज आप दोबारा जिंदा है तो वो सिर्फ उन दोनों पक्षियों का देन है। और यह कहकर भगवान शिव फिर से वापस लौट जाते हैं। मित्रों, चारों तरफ यह खबर फैल जाती है
कि एक बूढ़ी माँ मरकर फिर से जिंदा हो गई है और जहाँ जहाँ यह खबर फैलती है वहाँ से लोग बूढ़ी माता के पास आना प्रारंभ कर देते हैं। जिनके पास कोई दुख है, बीमारी है या फिर कोई बिगड़ा काम है जो नहीं बन पा रहा है, इन सभी समस्याओं को लेकर अब लोग बूढ़ी माता के पास आना शुरू कर देते हैं। जब लोग यहाँ आते हैं तो बूढ़ी माता कुछ और नहीं करती, बस भगवान शिव का पूजा करते हुए आशीर्वाद दे देती है। धीरे धीरे माता द्वारा दिए गए यह आशीर्वाद काम करना प्रारंभ कर देता है और एक दिन ऐसा आता है कि चारों तरफ से लोग उस बूढ़ी माता के घर पे आना शुरू कर देते हैं और एक चमत्कार होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा होते होते एक दिन ऐसा आता है जब वो बूढ़ी माता अपने घर पर ही जीवित होते हुए समाधि ले लेती है और दोस्तों समाधि लेने के बाद उसी जगह पर उन बूढ़ी माता का एक विशाल मंदिर बना दिया जाता है और आज भी वही बूढ़ी माता का वो मंदिर जो कि गुजरात में अवस्थित है, जो काफ़ी सुप्रसिद्ध है, आज भी उस मंदिर पर औरैया पक्षी का जोड़ा जरूर मिल जाते हैं और वो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि जो भी लोग उस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते, चिड़िया वाली माँ का दिल से स्मरण करते तो उनका बिगड़ा काम जरूर बन जाता है। इतना प्रसिद्ध हो चुका है वो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर। मित्रों, इस भक्तिमय कहानी से हमें एक सीख भी मिलती है कि हमें कभी भी गौरैया पक्षी के जोरों जैसा दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कभी भी विपरीत परिस्थिति आने पर हमें अपनी ताकत को बरकरार रखना चाहिए। गौरैया पक्षी जिसे बिना मेहनत के खाने की लत लग गई थी और यही कारण था उनके ऊपर जब भोजन का आफत आया तो वो उसे सह नहीं पाए। उनके कारण उन्हें और उनके बच्चों को महीनों तक भूखे रहना पड़ा। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहे, हम खुद के पैरों पर चलना सीखें और विपरीत परिस्थितियों के लिए अपने हाथों को मजबूत बनाए रखें। और मित्रों, आगे सीख हमें यही मिलती है कि चाहे जो भी हो, हमें अगर भगवान में विश्वास है, भक्ति में विश्वास है, तो हमें दिल से आराधना जरूर करनी चाहिए। हम दिल से कभी भी भक्ति करेंगे तो हमारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। कर्ता करे न कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।